लोग बताइए इन्फॉर्मेशन देना चाहिए ना। अरे तुम्हारे को इन्फॉर्मेशन रोड पर लगाने के लिए इन्फॉर्मेशन दे देगा कोई आपको? रोड पे था, आपके पास परमिशन है इधर रोड पर लगाने के लिए? तो फिर कानूनी कार्रवाई करेंगे सर? कानूनी कार्रवाई करेंगे लोग? हाँ, बिना सूचना का बोर्ड उठाने का परमिशन नहीं है सर। आप सूचना देते हमको कि बोर्ड उठाइए तो क्या है, हम उठा लेंगे रोड में उठाने के लिए। नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। देखिए, ये महामहिम राष्ट्रपति महोदय का यहाँ पे हाईकोर्ट के उद्घाटन के लिए आना है, उसी के लिए उनका जो रूट है उसको क्लियर कराया जा रहा है। जो भी अतिक्रमण लोग किए हैं उनको खाली कराया जा रहा है। देखिए, वहाँ पे जो झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है उसमें ट्रिपल आईटी का कॉन्वोकेशन, जो कि दूसरा कॉन्वोकेशन उनका होगा, वो किया जा रहा है। उसमें भी ऑनरेबल प्रेसिडेंट मैडम जा रही हैं। एक बार फिर से राजधानी रांची में रांची नगर निगम का एक नहीं, एक साथ दो दो बुलडोजर निकला और सड़क किनारे सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से निर्माण किए गए दुकानों को किया ध्वस्त। सही सुना आपने। आपको बताते चले, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के झारखंड आगमन को लेकर राजधानी रांची में जिला प्रशासन और नगर निगम राजधानी रांची की सूरत को संवारने में जुटी हुई है। राजधानी रांची के तकरीबन सभी सड़कों पर अतिक्रमण का जंजाल बना हुआ है। इस जंजाल को हटाने को लेकर डोरंडा के गोसाई कॉलोनी से लेकर सदाबहार चौक तक एक मुहिम चलाया गया। इस मुहिम के तहत नगर निगम और जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयास से सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाया गया एवं अवैध तरीके से बने अस्थायी और अस्थायी दुकानों को हटाया गया। आपको बताते चले, इस पर रांची नगर निगम के इन्फोर्समेंट टीम के अधिकारियों ने कही है बड़ी बात। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि नाली के ऊपर परमानेंट दुकानों को बना दिया गया है, जबकि ये फुटपाथ दुकानें हैं। नगर निगम का कहना है कि आप बिजनेस करें लेकिन अस्थाई, लेकिन आप अस्थाई तरीके से दुकानों का निर्माण कर देते हैं जिसके चलते आपको यह परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी मिले कि निर्माण किए हैं लेकिन वे अपनी दुकानों को हटाते नजर आए तो कुछ खाली करते नजर आए। बड़ा लोगों ने क्या कुछ कहा है हम आगे सुनेंगे, लेकिन आपको बताते चले, महामहिम के आगमन पर ट्रैफिक एसपी ने क्या कुछ कहा, ट्रैफिक पुलिस की क्या कुछ तैयारी है, तो वहीं पुलिस के जवान कितने संख्या में लगाए जाएंगे, तो वहीं जब दुकान को बुलडोजर से गिराया गया तो दुकानदारों ने क्या कहा। आइए तमाम बातों को समझते हैं और सुनते हैं किसने क्या कहा। देखते हैं खबर को विस्तार से। देखिए, बेसिकली दो चीज महत्वपूर्ण होती है किसी भी वीवीआईपी का जब विजिट होता है, एक रूट लाइन और दूसरा जो सभा स्थल है। तो हम लोगों की तरफ से दोनों ही चीज़ का एक डिटेल्ड सर्वे किया गया। सर्वे करने के बाद देखा गया कि कौन सा रूट उचित होगा, उस रूट को चूज किया गया। उसके अलावा कहीं कहीं पे जो कट्स हैं, जहाँ पे कुछ दिक्कतें थी, उसको आइडेंटिफाई किया गया, उसको जो संबंधित विभाग हैं उनको सूचित किया गया। फॉर एग्जाम्पल, जो लोटस वन रूट है वहाँ पे गेल के द्वारा कहीं कहीं पे निर्माण का, वो बेसिकली पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा था, जिसके चलते हम लोगों को ये आशंका थी कि जो कारकेट का मूवमेंट होगा वो प्रभावित हो सकता है। तो गेल को कम्युनिकेट किया गया, आज लगभग उसको भर दिया गया है, जो थोड़े बहुत बचे हैं वो कल निश्चित रूप से भर दिए जाएंगे। तो ये एक मोटा मोटी जो रूट लाइन का डिसीजन होता है कि कौन सा रूट सबसे शॉर्ट तरीके से सेफ तरीके से वीवीआईपी को पहुँचाया जा सकता है, तो उस पर हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है। उसमें जो हमारा डिप्लॉयमेंट होगा, उस डिप्लॉयमेंट को भी काफ़ी डिटेल तरीके से एक एक कट पे कौन से कांस्टेबल को रखना है, कौन से एएसआई को रखना है, कौन सा सब इंस्पेक्टर रहेगा, या फिर कौन से इंस्पेक्टर उस एरिया के इंचार्ज रहेंगे, या फिर सेक्टर्स में बांटा गया जिसके इंचार्ज डीएसपी रैंक के पदाधिकारी रहेंगे। तो ये जो वेन्यू है, जहाँ जहाँ पर जाना है वीवीआईपीज को, उन सारे एरियाज़ का, सारे वेन्यू का रूट लाइन निर्धारित हो चुका है। उसके अलावा जो दूसरा है वो है सभा स्थल। सभा स्थल में भी सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। अंदर में जो ट्रैफिक से जिस चीज़ का लेना देना है वो है पार्किंग व्यवस्था। तो ख़ास तौर पे जो नया हाईकोर्ट है वहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो उनकी गाड़ियाँ कहाँ लगेंगी, कैसे लगेंगी, कौन से रूट से लगेंगी, उनमें पासिस का क्या सिस्टम होगा, उन सब पे भी निर्णय ऑलमोस्ट ले लिया गया है। हम लोग हाईकोर्ट के साथ लगातार टच में हैं, कम्युनिकेशन चैनल्स हमारे ओपन हैं, जो भी हमें डिटेल्स वहाँ से मिल रहा है उसकी प्लानिंग करके हम लोग उस पर कार्रवाई कराने का कार्य करेंगे। मेन रोड में ही अल्बर्ट का चौक तक पहुंचने वाले हैं, यहाँ पे क्या कुछ तैयारी है? देखिए, लगभग राजभवन तक तो उनको आना ही आना है। राजभवन से लेके अल्बर्ट का चौक भी एक सेक्टर बनता है, वहाँ पर भी हम लोगों ने फोर्स का डिप्लॉयमेंट कर रखा है। इनफैक्ट हमने छोटे छोटे दो सेक्टर्स वहाँ पे बना लिए हैं, राजभवन से लेके रेडियम चौक तक, रेडियम चौक से लेके अल्बर्ट का चौक तक।
तो यहाँ पे आप देखते होंगे प्रायः नगर निगम को भी मीटिंग में ये निर्देश डीसी सर के द्वारा दिया गया है कि जो रोड के खिलाफ आसपास जो इंक्रोचमेंट्स है उन इंक्रोचमेंट्स को हटवाना है, वो रोज़ हटवाना है। उस पर मुझे लगता है कार्य भी प्रारंभ हो गया है, कुछ हम लोगों की तरफ से भी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी इन्फोर्समेंट का कार्य कराया जा रहा है ताकि जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट मैडम हैं उनका जो विजिट रहे वो स्मूथ रहे। सर प्रेसिडेंट के दौरे को लेकर कोई अलग से फोर्स भी दिया गया है क्या? हम लोगों ने मुख्यालय से फोर्स मांगा था, बेसिकली कुछ एस्टीमेट मुझसे मांगा गया था, कुछ एस्टीमेट सिटी एसपी साहब से, कुछ रूरल एसपी साहब से मांगा गया था। उन सबको कंबाइन करके सीनियर एसपी रांची सर के तरफ से मुख्यालय को एक चिट्ठी लिखी गई थी जिसके आलोक में हम लोगों को एक्स्ट्रा फोर्सेस मिली है। लगभग कितने हैं? 2,000-2,500? हाँ, आप तकरीबन वही मान सकते हैं, लगभग हमारे 2,500 के आसपास, उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फोर्स जरूर मिल गई। नामकुम साइड एरिया में भी आप लोग आज विजिट करने गए थे, क्या खास था वहाँ? देखिए वहाँ पे जो झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है उसमें ट्रिपल आईटी का कॉन्वोकेशन, जो कि दूसरा कॉन्वोकेशन उनका होगा, वो किया जा रहा है। उसमें भी ऑनरेबल प्रेसिडेंट मैडम जा रही हैं, उसी तैयारी का जायजा लेने के लिए हम लोग गए थे। तो उधर का भी सेम है, रूट लाइन की प्लानिंग कर ली गई है और जो सभा स्थल है उसमें भी डिप्लॉयमेंट कैसे किया जाएगा उसको भी पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है। आम जनता को क्या बोलेंगे जो मतलब यातायात से संबंधित लगातार खबरों हम चला रहे हैं लेकिन कोई अभी भी समझने को तैयार नहीं है जो फुटपाथ वेंडर हो गए? देखिए मैं बार बार यही आपके माध्यम से लोगों को बोलना चाहूँगा, सरकार ने नियम बना रखे हैं, उन नियमों का पालन कीजिए। बहुत सारी स्कीम्स ऐसी है, आप अपने आप को खुद को रजिस्टर कर सकते हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं आप ज़रूर रजिस्टर कीजिए और सरकार निश्चित तौर पर उस पर पहल करेगी। जो भी लॉ है उसको फॉलो कीजिए, यातायात के नियमों को फॉलो कीजिए। खासतौर पे अभी जब हम लोगों के सामने रांची ज़िले के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है कि एक ही दिन में जो CJI सर हैं और जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट मैडम हैं दोनों का विजिट हो रहा है, तो मैं यही उम्मीद करूँगा कि सारे जो आम लोग हैं रांची की उनका हम लोगों को सहयोग मिले। तो आइए जान लेते हैं, इन्फोर्समेंट टीम के अधिकारी हमारे साथ है और हम जान लेते हैं कि ये अभियान किस किस क्षेत्र में चल रहा है और आज इस अभियान का क्या मकसद है चलाने का, क्या कहेंगे? देखिए ये महामहिम राष्ट्रपति महोदय का यहाँ पे हाई कोर्ट के उद्घाटन के लिए आना है, उसी के लिए उनका जो रूट है उसको क्लियर कराया जा रहा है, जो भी अतिक्रमण लोग किए हैं उनको खाली कराया जा रहा है। और जो देखिए यहाँ पे आपने बात किया अभी, तो कुछ लोग हैं जो 40 साल से यहाँ पर रह रहे हैं लेकिन उनको हम लोग बोले भी नहीं, हम लोग बहुत पीछे थे बेचारे, अपने आप वो लोग खाली अनाउंसमेंट सुन के अपना खाली कर रहे हैं, ठीक है। नुकसान हम लोगों का मकसद नहीं रहता है किसी का नुकसान हो, लेकिन नुकसान उसी का होता है जो जानता है कि हमने गलत किया है, हमने रोड कब्जा किया हुआ है और हटाने के लिए राजी नहीं है, नुकसान उसी का होता है। उस समय में बुलडोजर चलता है? उस समय बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर लेकिन आज भी चल रहा है, बुलडोजर चल रहा है, यहाँ ही नहीं चल रहा है और भी धुरवा में चल रहा है। जो जो रूट है अभी कल हम लोगों का प्लान है उधर एयरपोर्ट से लेकर के उधर राजभवन तक चलेगा, तो जो जो रूट डिसाइड किया गया है वो राष्ट्रपति महोदय का उधर वो रूट पूरा क्लियर होगा और उधर बुलडोजर चलेगा, जो भी अतिक्रमण किए हुए हैं उनका चलेगा उनके ऊपर बुलडोजर। जैसे कि आज जो मुझे सूचना है जो मिल रही है, आज धुरवा क्षेत्र में हरमू रोड, मेन रोड, कचहरी रोड और आपका ये उसई कॉलोनी एरिया नामकुम सदाबहार चौक, हाँ ये सभी जगह अतिक्रमण चल रहा है अभी और सभी जगह कार्रवाई हो रहा है, जो भी अतिक्रमण एरिया है उसको खाली कराया जा रहा है। हमारे माध्यम से क्या कहेंगे, हालांकि अभी लगातार और भी 3 दिन अभियान चलना है जो अनलीगल तरीके से, हालांकि अक्सर देखा जा रहा है कि आप लोग के द्वारा कार्रवाई की तो जाती है लेकिन लोग वो स्थिति फिर जस के तस हो जाती है, वही आदत बन चुका है। देखिए फुटपाथ वेंडर हैं, आप अपना दुकान लगाए, ठेला लगाए, अपने घर लेकर चले गए, लेकिन गलत तो वहाँ पर होता है जब आप शेड वोड बना करके पूरा दुकान बना लेते हैं, परमानेंट स्ट्रक्चर बना लेते हैं, वो गलत है। और उसके बाद जब हटाने के लिए बोला जाता है तो आप मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम गलत किए हैं, तो मजबूरी में बुलडोजर चलाना पड़ता है। मतलब आपका साफ मतलब ये कहना है कि यदि आप सरकारी ज़मीन में यदि आप कोई व्यापार कर रहे हैं तो आप ऐसा व्यापार कीजिए कि दिन भर लगाएं और शाम में खाली करें। जी अगर आप फुटपाथ पे दुकान लगा रहे हैं तो आप ऐसा ठेला वगैरह लगाइए और अपना शाम को अपने घर लेकर जाइए। लेकिन यहाँ तो पूरा देखा जा रहा है कि लोग ढलाई तक कर लिया है। ढलाई देखिए पूरा घर बना लिया, लोग शेड बना लिया है, पूरा लोहे का स्ट्रक्चर बना लिया है, उसमें रह रहे हैं लोग, क्या बोलेंगे अभी। अब वो अभी हटाने जा रहे हैं तो वो लोग बोले कि अभी टाइम दीजिए, जबकि ऑलरेडी सबको पता है, अनाउंसमेंट किया गया है कि आप लोग खाली कर दिए, लेकिन अभी तक जब हम लोग पहुँच रहे हैं तब लोग खोलना चालू कर रहा है, तब धीरे धीरे एक सामान हटाना चालू कर रहा है। तो हम लोगों को सदाबहार चौक तक जाना है, आज ही क्लियर करके देना है,
तो हम लोग अगर हर आदमी को एक घंटे टाइम देंगे तो हम लोग कार्रवाई कर ही नहीं पाएंगे। मैंने अभी देखा कि वरीय अधिकारी भी विजिट के लिए आगे गए हुए हैं। अभी देखे होंगे आप 3-4 गाड़ी से ऑलरेडी हर रूट का विजिट चल रहा है। जो जो रूट है राष्ट्रपति महोदय का, वो सभी का विजिट चल रहा है। कहाँ पे कितना काम हो रहा है, कहाँ पे और करने की ज़रूरत है, कहाँ पे ज़्यादा इंक्रोचमेंट है उसको हटाने की ज़रूरत है, क्या चीज़ अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, वो सब चीज़ देखा जा रहा है। विजिट करके फिर बताया जाएगा, जो बचेगा उसको फिर से किया जाएगा। लेकिन कई लोग कहते हैं कि जब VVIP आते हैं तो गरीबों की नहीं, देखिए मार नहीं होती है। आप ठेला लगाइए, किसी का हमने ठेला किसी का नुकसान किया, किसी का ठेला हमने जब्त किया नहीं किया। लेकिन जब आप शेड बना लेंगे, लोहे का शेड बना लेंगे, लोहे का दुकान बना लेंगे, ये गलत है ना। रोड में आप लोहे का शेड क्यों बना रहे हैं? आप ठेला लगाइए, अपना व्यापार कीजिए, अपने घर लेके जाइए, सिंपल। मतलब आपका साफ यही कहना है और यही मकसद है कि नगर निगम नहीं चाहती है किसी को हम नुकसान पहुँचाएँ, कि आप मतलब व्यापार कीजिए लेकिन अपने लिमिट में। हाँ, व्यापार कीजिए, व्यापार मान लीजिए कहाँ जाएंगे, फुटपाथ में अंदर कहाँ जाएंगे, लेकिन तरीका है। मान लीजिए कभी भी अभी ज़रूरत पड़ा है, आप अगर ठेला में होते, सही चक्का होता आपके ठेले में, तो आप लेके चले गए थे। हम अब तक हमारा कितना काम हो गया था, लेकिन आप फिक्स कर दिए हैं, पूरा सीमेंट बालू से आपने ढलाई कर दिया उसको, तो दिक्कत तो होगा, नुकसान तो होगा आपका फिर। मतलब साफ है कि वैसे लोगों को आप जब तक तोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। अब हमको अपना ड्यूटी करना है, आदेश का पालन तो करना है। आप लोग यहाँ दुकान कितने सालों से लगा रहे हैं? हम लोग 5 साल से लगा रहे हैं। 5 साल से? हाँ। 5 साल में कोई एक और बोलने नहीं आया? नहीं आया। अभी क्या बोला जा रहा है? अभी बोला हटाए हटाइए हटाइए, बोले कि 10 दिन के बाद फिर लगाना, अब लगाना मिलेगा ही नहीं मिले तो आप ही लोग आत्मा है। हम लोग कैसे बोलेंगे, हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएंगे बोलिए? रोज कमाते खाते हम लोग सरहर नौकर तो नहीं है। अभी हटा रहे हैं? हाँ। आके क्या बोला है लोग? सर हम तो नहीं जानते, ये लोग बोल रहा कि बोला है कि सामने आया है, बोला कि सब दुकान टूट जाएगा। सर हम लोग तो आज 40 साल से दुकान है, ये पुराना दुकान है, एक भैया टूट रहा सला तो हम लोग को तो जरूर पेट पर लात आ गया सर। हम लोग बाल बच्चा किस तरह पाए, हमको ये कहना सर आपको। 40 साल से कोई नहीं आया बोलने? नहीं सर, अभी तो कोई नहीं बोलने आया था सर। 40 साल में एक बार कोई बोलने नहीं आया? जब से हम यहाँ खमा कुटी दिया सर, कोई नहीं बोलने आया था। एक भैया बोला कि टूट जाएगा, टूट भी गया, गाड़ी को जाने में दिक्कत हो रहा है, इसीलिए सब दुकान को हटवाया जा रहा है। अच्छा, क्या हुआ कल शाम में आके कुछ बोला था लोग? अब हम नहीं थे, ये लोग का था। क्या बोला था शाम में आकर के? शाम को अल्टीमेटम दिया गया था कि ये जो नाली का जो बना हुआ है ना सर, ये नाली को अतिक्रमण में नहीं लाना है, ठीक है। हम लोग गलती से किए हुए थे, हम लोग टेबल वगैरह लगाए हुए हैं, इसको हटा लेते हैं। लेकिन ये अचानक आके बोला जा रहा है कि नहीं, नाली के उस पार भी, जबकि नाली के उस पार कोई काम नहीं हो रहा है। देखिए अभी हाल में यहाँ रोड बना है, अभी 5 दिन पहले रोड बना है, 5 दिन पहले बना है, हम लोग को कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया गया ना, हम लोग कुछ बोले ना वो लोग बोले। और आज देखिए अचानक आके कल बोले कि ये नाली साफ कर दीजिएगा, और आज देखिए आके तोड़ रहे हैं, आज आके ये तोड़ रहे हैं, जबकि कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये ज़मीन सरकारी है कि आप लोग का है? नहीं, ये ज़मीन हम लोगों का नहीं है। इसका कोई भाड़ा वगैरह देते हैं आप? कोई भाड़ा नहीं देते हैं सर। मतलब सरकार का ज़मीन है? हाँ, सरकार का ज़मीन है। और कितने दिनों से हैं आप लोग? हम लोग लगभग पिछले 15 साल से यहाँ पे हैं। 15 साल से ये बोल रहे हैं? 40 साल से? हाँ, 15 साल या 40 साल? 15 साल से हम अपना दुकान किए हुए हैं। ये दुकान पहले ही टूट गया था, पहले टूट गया था। अच्छा, तो 50 साल से? अच्छा, 50 साल से हम लोग 50 साल से घर बनने जी। एकाएक आके बोला गया कि राष्ट्रपति जी आ रही हैं और प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो सुंदरीकरण करना है, इसलिए रोड का जो सेड में नाली है, नाली से अपना सारा सामान हटा लीजिएगा, जबकि नाली पे हम लोग कोई सामान नहीं रहता है। और आज देखिए अचानक आ करके और ये सब तोड़ने लगे, उसका विरोध करने पे ये लोग बोलते हैं कि लाठी चार्ज करेंगे और क्या क्या करेंगे। तो हम लोग ये सब चीज़ नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग अपना सामान हटा रहे हैं। उसका भी एकदम अचानक ही 11 बजे दिन में आए हैं और शुरू हो गए। अगर मान लीजिए हम लोगों को बोला जाता कि अगर 1 दिन का 2 दिन का समय देते हैं तो हम लोग आराम से सब सामान करते। अभी देखिए कोई भी आदमी कोई कहाँ से गाड़ी मांग रहा है, कोई कहीं से रिक्शा मंगा रहे हैं, टुक टुक गाड़ी मंगाए हैं, तब कहीं जाके सामान इधर उधर कर रहे हैं। क्या रहा है प्रॉब्लम? मेरा बोर्ड यहाँ था, बिना इन्फॉर्मेशन का लेके चला गया। ये लोग बताइए इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए ना? अरे तुम्हारे को इन्फॉर्मेशन रोड पर लगाने के लिए इन्फॉर्मेशन दिया? देखा कोई आपको?
रोड पे था। आपके पास परमिशन है इधर रोड पर लगाने के लिए? कहाँ था आपका बताइए? कहाँ था आपको बोर्ड? फोटो दिखाए हम उसका, कहाँ पर था बोर्ड? आप स्टाफ अगर लगा दिया एक दिन बोर्ड तो अंदर ही आता है। आप बताइए, सुनिए, आप अपना गलती मानी है कि मेरा रोड पे बोर्ड था? रोड से बोर्ड उठाया है ये जब बोर्ड का बात कर रहे हैं, ये बोर्ड देखिए इनका, ये सड़क के ऊपर बोर्ड लगाया हुआ है। रोड पर लगाओगे बोर्ड? अरे आप बोल देते हम नहीं लगाते, फिर इन्फॉर्मेशन देते कि नहीं आप बोर्ड नहीं लगाई आप, बिना सूचना का बोर्ड कैसे ले गए आप बताइए? गलत बात है ना, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम हमको प्रॉब्लम, लेटर लिख करके जाइए निगम में, डालिए आपको निगम में क्यों मैं यहाँ पर लगाया था बोर्ड में और मेरे उठा करके लेके गए थे। अच्छा, आपका कहना यही था ना कि मैं पब्लिक हूँ, प्रॉपर्टी का, मैं रोड का टैक्स भरता हूँ, मैं रोड पर लगाऊंगा, आपका जुबान यही था ना? पहले जज साहब को आप बोल रहे थे रिस्पेक्टेबल वर्ड, इसका बोले कि जजवा को फोन लगाओ, कहा किसको बतिया रहे कह रहे जजवा का नंबर नहीं मिल रहा है, ऐसे बोलते हैं किसी को? नेता है, छात्र नेता, छात्र नेता है, जजवा जजवा करेंगे? जानते हैं सम्मानित पद होता है। कल क्या बोले थे आप रिकॉर्डिंग मेरे पास? क्या बोले? जजवा का दीजिए नंबर। जजवा क्या होता है? जज जजवा मानता नहीं, लेकिन ये गलत किया, वोट हमको चाहिए बस। जाओ लेटर और हम ये मतलब रोड से बोर्ड उठा ले गए थे। हाँ, रोड पे यहाँ बोर्ड था, उठा ले गया था लोग। हाँ, हाँ, हाँ। आप वापस मांग रहे हैं? हाँ, हमको बोर्ड चाहिए, बोर्ड चाहिए, यदि नहीं देता है लोग तब तो हम फिर कानूनी कार्रवाई करेंगे सर। कानूनी कार्रवाई करेंगे लोग? हाँ, बिना सूचना का बोर्ड उठाने का परमिशन नहीं है सर। आप सूचना देते हमको कि बोर्ड उठाइए तो क्या है, हम उठा लेंगे रोड में उठाने के लिए। हाँ, तो आप रोड में उठाने के लिए सूचना देना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन का बोर्ड नहीं उठा सकते हैं। अच्छा, नहीं उठा सकते? अच्छा, वहाँ लगाना उचित था? उचित नहीं था तो आप बोलते हम नहीं लगाते हैं दूसरा दिन से। आपके हिसाब से क्या लगा कि उचित था या अनुचित था? सर, स्टाफ लगा दिया वो तो ठीक है, आप हमको बोलते हैं इस चीज़ को कि बोर्ड आप नहीं लगाया कीजिए, हम दूसरा दिन अगर देखेंगे तो हम जब्त करेंगे, तो हम आप नहीं लगाते बोर्ड। यदि ये लोग बोर्ड नहीं देता कानूनी कार्रवाई करेंगे आप? हाँ, करेंगे सर। नगर निगम के हमको खुद मेयर हम कल बात हुआ है, बोला कि इन्फोर्समेंट टीम के अधिकारियों पर कार्रवाई करवाइएगा ना। नाम था आपका? नाम मांग रहा था ना। अच्छा, नाम भी मांग रहा है इनका? चलिए, नाम भी पूछ रहे हैं इनका। चलिए, एक और आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, यहाँ देखें कुछ महिलाएं हैं, कुछ बच्चे हैं। हालांकि पहले से इनका कहना है कि इसमें होटल था, लेकिन जैसे ही इन्हें मालूम चला है कि ये हटाना है तो ना ये किसी से बात किए, ना कोई झंझट, ये चुपचाप अपने स्थान को, जो जगह पे ये लोग रह रहे थे, पूरे सामान को बाहर निकाले और जो इनका पुराना जो पुश्तैनी मकान है वहाँ पे सभी लेकर के जा रहे। तो ये इनके द्वारा एक सही में जो एक संदेश दिया जा रहा है कि यदि हम अनलीगल बसे हैं, यदि आप लोग का फरमान है कि हटाना है तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग खुद हट जाएंगे। तो ये सही में तारीफ़े काबिल है, इन्होंने एक बड़ा संदेश दिया। क्योंकि हम ये मुझे ये इसलिए कहना पड़ रहा है कि अक्सर देखा जाता है कि कई लोग उलझते नज़र आते हैं, मैं क्यों हटूं, मैं इतना दिन से रह रहा हूं, मैं नहीं हटूंगा, वगैरह वगैरह कई बातें हम लगातार तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाते आते हैं। लेकिन इनके पास ना कोई बोलने आया, ना कहने आया, ना कोई झगड़ा हुआ, कुछ नहीं। इन्हें कल कैसे मालूम चला आप लोग को ये बात? सर, हम लोग को रात में पता चला। हाँ, कोई हम लोग को बताया गया कि नोटिस मिला हुआ है हटाने के लिए, इसीलिए अनाउंस कर रहा था। तो आप लोग बस अनाउंसमेंट सुन करके ही खाली? हाँ, कर रहे हैं, हैं? आप लोग का घर है कहीं पे? हाँ, घाघरा पे। तो वहाँ आप लोग जा रहे हैं? हाँ, वहीं जा रहे हैं। मतलब कोई उसके बाद दोबारा आपको बोलने नहीं आया? नहीं। ये सराहनीय कदम, सही में ये इन्होंने एक संदेश दिया। क्या नाम हुआ आप लोग का? क्या नाम आपका? शिवा गोसाई। आपका क्या नाम हुआ? नंदन गोसाई। आप भी यहीं पे रहते हैं? जी जी, पड़ोसी, चचा है। चचा है आप? तो ये कितने दिनों से मकान था यहाँ पे? पहले मेरे ख्याल से होटल था। पहले होटल था सर, उसी होटल बंद होने के बाद में यहाँ मकान में, मतलब मकान पर आके दो चार आदमी रहते थे। सरकारी जमीन ही है? सरकारी जमीन। लेकिन जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ आप लोग चुपचाप खाली कर रहे हैं? कुछ हम और कुछ नहीं रहे, तो पूछा भी नहीं कि कब हटाना है, क्या करना है, लेकिन हम लोग उन्हीं के बात लेके हम लोग अपने आप सबको मिलजुल के हटा रहे। तो आप लोग का घर द्वार है ना? है, चोपड़ा झोपड़ी है, जो आप है जो उसी में जाकर पढ़ना है तो करना है। घाघरा में है जी। तो ये यहाँ से इन्होंने एक संदेश दिया है कि यदि हम अवैध तरीके से हैं तो आप हमें परेशान न करें, ना ही हमें कोई टॉर्चर करने की जरूरत है, हम लोग खुद चले जाएंगे। हालांकि कई दुकानों को तो तोड़ा जा रहा है जो अनलीगल तरीके से दुकानों को बनाया गया था, लेकिन यहाँ पे एक फुटबॉल टूर्नामेंट का मतलब कार्यालय है यहाँ पे, देखा जाए तो ये बच्चों के लिए है,
और लोग कह रहे हैं, रिक्वेस्ट किए और नगर निगम के जो भी अधिकारी यहाँ पे आए हुए हैं और उनके द्वारा क्या कुछ बातें हुई और क्या अब बातें सामने आ रही है। हालांकि अनलीगल ये भी है लेकिन इसको तोड़ा जा रहा है कि नहीं, और कुछ लोग हैं इस क्लब के, हम आइए इनसे बात करते हैं, क्या बातें हुई, क्या आप लोग रिक्वेस्ट किए? सर ये बच्चों का फुटबॉल क्लब है सर, कभी कभी बच्चा लोग जैसे ग्राउंड में प्रैक्टिस से वगैरह तो आता जाता है, कुछ बड़ा लोग का टूर्नामेंट चलता है सर यहाँ बगल में, तो कुछ लोग आते हैं, तो उसके लिए भी थोड़ा सा हम लोग खाने पीने जैसे पानी उनी का सबका व्यवस्था होता रखे हुए रहते हैं। तो सामाजिक कार्य के लिए आप लोग, बच्चों के भविष्य के लिए आप लोग ये खोले हुए हैं जी, जो खिलाड़ी हैं जी, लेकिन आप लोग अपने तरह से बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं जी सर जी, हम लोग लगे हुए रहते। क्या बोले अधिकारी, क्या बोले, ये टूटेगा नहीं? सर अभी तो बोल रहे कि हम लोग बात कर रिक्वेस्ट कर, नहीं टूटेगा बोले सर, नहीं टूटेगा। क्या नाम हुआ आपका? जगत कुजूर। क्या नाम हुआ आपका? हरिहर गोसाई। क्या कहेंगे जो जो अभी पुलिस के लोगों ने कहा कि नहीं टूटेगा, तो इसके लिए हम लोग आभारी हैं क्लब वाले। क्या कहें? नहीं, धन्यवाद देना चाहते हैं कि चलिए आज मतलब बच्चों के लिए इतना कुछ अगर निगम सोच रहे तो अच्छी बात है कि चलिए, और फिर जैसा उनका आदेश रहेगा अगर बोलेंगे तो फिर जैसा बोलेंगे, लेकिन रिक्वेस्ट तो हम लोग का रहेगा ही। बिल्कुल, ये सराहनीय कदम है, लोग कह रहे हैं, और क्या कहेंगे आप? ये सर तो बच्चों का क्लब के लिए हम लोग बनवाए हुए हैं, और यहाँ पर जो भी प्रोग्राम होता है यहाँ के द्वारा मैदान हम लोग ले जाते हैं, खिलाड़ी मैदान भी है जी, बगल मैदान है। तो अधिकारी क्या बोले? अधिकारी तो बोले आश्वासन दिए सर कि नहीं टूटेंगे बोल के जी। तो आज की खबर में बस इतना ही, बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।